पानी नहीं पिलाओगे तब तक मुकम्मल लड़ाई कामयाब नहीं होगी। सब अपने अपने छाती में उसको लपेट लिया है, कोई बांटने के लिए तैयार नहीं है। कोना कोना कौन कोना सतली पुताओ कना करना चाहते हैं वो यही गुना गणित करेंगे। छोड़ करके कौन ऐसी पार्टी है जिसने भाजपा के साथ गला नहीं मिलाया है? बोलिए। किसी की लकीर मिटाएंगे नहीं, अपनी लकीर खींच कर दिखाएंगे। साथियों, सबसे पहले यहां मौजूद सदाकत आश्रम में आए हुए बिहार के अलग अलग कोनों से आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, मीडिया के साथियों का और मंच पे उपस्थित बिहार प्रदेश के प्रभारी श्री भक्त चरण दास जी का, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष श्री मदन मोहन झा जी का, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत शर्मा जी का, बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा जी का और तमाम विधायक, मैं इनको देख रहा हूं। पूर्व विधायक भी हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। हालांकि मैं जब दूसरे प्रदेशों में जाता हूं तो मैं कांग्रेस के नेताओं का पूरा लिस्ट मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूं सम्मानित मंच को कि यहां बैठा कोई ऐसा चेहरा नहीं है, चाहे हमारे यूथ कांग्रेस के गुंजन पटेल जी हो, चाहे हमारे एनएसयूआई के नेतागण हो, मैं इन सबको जानता हूं। क्योंकि हमारी ये एकता मंच पर नहीं, आंदोलन में बनी है, जनगणना यात्रा के दौरान बनी है। आप तमाम सम्मानित मंच को और हमारे जेएनयू के दो दो बड़े भाई यहाँ पे हैं, शकील साहब भी हैं जो संचालन कर रहे हैं, चंदन भाई हैं जो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करके जा चुके हैं, और ठीक कहा शकील भाई ने कि रास्ते में आते हुए एक पत्रकार ने हमको भी पूछा कि आपका स्ट्राइक रेट खराब है। हम बोले कि अगर इस हिसाब से जोड़िएगा तो 40 में से एक सीट पूरे विपक्ष ने मिलकर के जीता है, वो कांग्रेस पार्टी ने जीता। आप स्ट्राइक रेट का हिसाब लगाइए। तो हमारे सम्मानित एमपी महोदय, आप तमाम बड़े भाइयों का और अपनी बहनों का, आप सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और आपने मुझे इस परिवार में स्वीकार किया है, यह बड़ा मुश्किल होता है। एक परिवार से छोड़ करके जब आप दूसरे परिवार में जाते हैं तो लोग कहते हैं एडजस्ट करने में समय लगता है। यह समय हमको बिल्कुल यहां पे नहीं लग रहा है। जितनी सौहृदता से आपने हमको स्वीकार किया है, गले लगाया है, हम आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं यहां हमारे दो साथी गुजरात से आए हुए हैं। दोनों साथी ने बताया कि आज उनकी मीटिंग थी राहुल गांधी जी के साथ गुजरात को लेकर के। हम लोग रास्ते में आते हुए चर्चा कर रहे थे और एक बात पे हम लोगों की सहमति बनी कि देखो भाई, खाली गुजरात में हराने से काम नहीं चलेगा, जब तक बिहार में भाजपा को पानी नहीं पिलाओगे तब तक मुकम्मल लड़ाई कामयाब नहीं होगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार की धरती ज्ञान की धरती है, भगवान महात्मा बुद्ध को यहीं पे ज्ञान मिला है। बिहार की धरती तपस्या की भूमि है, तप की भूमि है। चाणक्य भी यहां पैदा हुए, और आप पावापुरी जाकर के देख लीजिए, जैन मुनियों की तपस्या की ये भूमि मानी जाती है। और बिहार की धरती परिश्रम की भूमि है, ज्ञान तपस्या और परिश्रम की भूमि है बिहार। और जब मैं परिश्रम की बात करता हूं
तो आप दशरथ मांझी का नाम याद रखिएगा। एक हथौड़ी और छेनी लेकर के उस इंसान ने पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। ये बिहारी होने का मतलब होता है। बिहार वो भूमि है। मैं अपने गुजरात के दोस्तों को कहना चाहता हूं कि आपके यहां पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए थे, लेकिन वो गांधी जब बिहार की इस ज्ञान तपस्या और परिश्रम की भूमि पे आए तो हमने उनको महात्मा बना दिया।